नमस्कार, आप सबका स्वागत करते हैं विजन नोटिस टीवी में। विजन नोटिस के पूरा टीम आज उमरांगसो में ही मौजूद है और उमरांगसो के ही बाजू में 12 किलोमीटर नानाम के जगह पे। और सबसे बड़ी बात, ये हम लोग खड़े हैं वीर तुलाराम सेनापति के मूर्ति के सामने। आज सुबह ही हमें और उमरांगसो वासियों को एक खबर मिला जिसके तहत लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारी बातें सुनी, पर आकर जब दिखा गया तो यहाँ तुलाराम सेनापति जी का जो मूर्ति है उसमें से उनका एक अंश यहाँ से गायब था। यानी उनके हाथों में जो तलवार होता है, या उसे दाव कह लो आप, वो तलवार कह लो, वो चीज जो है वो टूटा हुआ यहाँ पे पाया गया सुबह ही। और उसके बाद यहाँ हलचल मची। आज सुबह से यही हलचल यहाँ पे उमरांगसो में देखने को मिला, क्योंकि तुलाराम सेनापति जी दिमासा कम्युनिटी के लिए बहुत बड़े एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े एक वीर थे, बहुत बड़े वीर माना जाता था उनको। ये भी कहावत है उनके नाम पे, तुलाराम सेनापति जी नौगांव से लेके कामपुर से लेके आपका बोराइल रीजन तक सारे इलाके में उनका दबदबा चलता था उस दौरान। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में आए थे, उसके बाद जब 1832 में जब आसाम में इन होने की कोशिश कर रहे थे, तब तुलाराम सेनापति जी ने उनको ब्रिटिश सरकार तक को भी इन्होंने रुकवा दिया था। और उससे भी बड़ी मान्यता यह है कि तुलाराम सेनापति जी के दर से जंगली हाथी तक को डर होता था, उनसे खौफ खाते थे जंगली हाथी। अभी उस जैसे वीर का एक जो है स्टेचू उमरांगसो में स्थापन किया गया यहाँ पे हमारे डायनेमिक लीडर CEM देवलाल गालो सर जी की तरफ से। और उनका ये मैसेज था कि यंग जनरेशन के लोगों को इनके वीरता के बारे में इनके सारे जानकारियां हमारे जो न्यू जनरेशन है उनके वहां तक पहुंचे, उसके लिए ही इस मूर्ति को यहां पे स्थापन किया गया था। लेकिन बहुत दुख से हमें ये कहना पड़ रहा है कि एक साल बाद आज उमरांगसो में किसी दुर्वृत्त के तरफ से या फिर किसी भी तरह से इनका जो है हाथ पे लगा हुआ तलवार उसको तोड़ के फेंक दिया गया है, उसको नीचे सुबह पाया गया था। ये मूर्ति मैं आपको बता दूं कि ये मूर्ति बहुत दूर यानी राजस्थान से इसको मंगवाया गया था। राजस्थान क्योंकि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वहां से इस मूर्ति को मंगवाया गया था और बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत सालों के बाद, बहुत ही तकलीफों के बाद यहाँ पे इसको स्थापन किया गया था। इस दौरान हमारे साथ मौजूद है हमारे उमरांगसो के MSC सर दुरुंग सर हमारे साथ मौजूद है। हम थोड़ी जानकारी उनसे भी लेंगे और पूछेंगे कि क्या है उनका रिएक्शन, पहला रिएक्शन। मैंने खबर मिलते ही बहुत दुख हुआ कि ऐसा जो सेनापति का जो स्टेचू इतना तकलीफ से बनाया है तो इसका जो तलवार तोड़ दिया है। तो ये कोई भी व्यक्ति व कोई भी आदमी हो, ये सब करना ठीक बात नहीं है। तो इसके छानबीन करने के लिए मैंने उमरांगसो थाना में, मैं खुद ऐसे लोकल MSC के हिसाब से मैंने FIR दर्ज किया है। तो इसको जल्दी इमीडिएटली उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इसको जस्टिस और प्रूफ मिलना चाहिए, और जो व्यक्ति कोई भी ऐसा काम किया है उसको पनिशमेंट देना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। ये मेरा दावी था। और ये सब ठीक बात नहीं है कि आज का डेट में कि उमरांगसो जैसा जो बहुत नाम रोशन हुआ टूरिज्म प्लेस, आज पूरा दिमासो में, ऑल असम में, ऑल इंडिया में उमरांगसो का नाम इतना रोशन हुआ है, तो ये सब चीज को रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये सब चीज को सीखना चाहिए, ये सब चीज को एक एजुकेशन के रूप में हम लोग के लिए बहुत फायदा है जो यंग जनरेशन लोग के लिए। तो इसको तोड़ना ये बात अच्छा ही नहीं है, मेरे तरफ से ये कंडेम करता है। तो MSC सर का ये कहना है कि उनके तरफ से ये सीधे ही कंडेम करेंगे, क्योंकि ये किसी भी तरह से समाज, एक सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। मूर्ति चाहे तुलाराम सेनापति जी का हो या फिर किसी भी अन्य मान्य व्यक्ति का मूर्ति हो उनका, या फिर कोई भी सिंबल का ऐसा इस तरह से अपमान करना किसी भी जाति के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, ये सही बात नहीं है। विजन नोटिस टीवी देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।